नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टैली का चैप्टर नंबर 2 है, व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली ईआरपी 9। अकाउंटिंग एक छोटा सा वर्ड है और इसको सीखने में ना जाने हमें कितने साल लग जाते हैं। जैसे देखिए, जब हम 10वीं पास आउट करते हैं तो हम कॉमर्स में जाते हैं, वहां पर हमें 2 साल अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है। उसके बाद हम बीकॉम में जाते हैं, वहां पर हमें 3 साल अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है। फिर हम एमकॉम करते हैं, वहां भी हमें 2 साल अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है। और ना जाने हमें कितने साल अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है, फिर भी हमें अकाउंटिंग जल्दी समझ में नहीं आती है। पर हमें उतनी अकाउंटिंग हमें नहीं सीखनी है, हमें सिर्फ इतनी अकाउंटिंग सीखनी है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैसे होगा। ये आपको टर्म्स थोड़ी बहुत पता चल जाए टैली के अंदर, बस हमें इतनी अकाउंटिंग सीखनी है। पूरी अकाउंटिंग हमें नहीं सीखनी है टैली सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अकाउंटिंग का जो मतलब होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है लेखांकन। लेखा प्लस अंकन, इन दो सबसे मिलकर बनता है लेखांकन। अकाउंटिंग का हिंदी मतलब हो गया लेखांकन। लेखा का मतलब देखिए लिखा हुआ है डायग्राम में, लिखना, और अंकन का मतलब होता है अंक। इसका मतलब हो गया अंकों को लिखना। अब हमें टैली ईआरपी 9 में किस अंकों को लिखना पड़ता है वो बताते हैं आपको। जैसे देखिए, व्यापार में जो होने वाले लेन देन है वो टैली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि देखिए, हम परचेस करेंगे तो आपको परचेस वाउचर में उसको लिखना पड़ेगा। अगर हम सेल करेंगे तो उसको आपको सेल वाउचर में लिखना पड़ेगा। जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर में लिखना पड़ेगा। किसी पार्टी से पेमेंट अगर लेंगे तो उसको रिसिप्ट वाउचर में लिखना पड़ेगा। अगर हमें किसी सप्लायर को पैसा देना है, ये सप्लायर उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और डेटर का मतलब होता है कस्टमर। जिसको माल बेचेंगे वो हमारा कस्टमर, और जिससे माल खरीदेंगे वो हमारा क्रेडिटर। 7वां पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपको लिखना पड़ता है टैली ईआरपी 9 में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। नंबर 8 पॉइंट है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास कितना माल है प्रेजेंट समय में, तो ये होता है हमारा स्टॉक। एक्सपेंस होता है, जो भी हम एक्सपेंस करेंगे ये भी हमें लिखना पड़ता है। इनकम मतलब कितना हमने पैसा कमाया, कितना अर्न किया, उसको हम इनकम बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको टैली के अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टैली ईआरपी 9। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।